हेलो दोस्तों, मैं सोनिका और आज मैं आपको बताऊंगी कि लड़की से बात करते टाइम ये गलतियां करोगे तो लड़की कभी नहीं पटेगी। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक पे है, क्योंकि दोस्तों देखो, ऐसे बहुत से लड़के हैं जो जब भी किसी लड़की से बात करते हैं तो जाने अनजाने में वो कुछ ऐसी गलतियाँ कर बैठते हैं जिसकी वजह से लड़की की नज़रों में उनकी इमेज कम हो जाती है या वैल्यू कम हो जाती है, जिसकी वजह से होता ही है कि लड़की उनसे बात करना पसंद नहीं करती है। तो ऐसे में इम्प्रेस करना तो दूर की बात है। तो आज की इस वीडियो में आपको इसी के बारे में बताऊँगी कि कौन सी ऐसी गलतियाँ नहीं करनी चाहिए अगर आप किसी लड़की को इम्प्रेस करना चाहते हो या उन्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हो। तो दोस्तों, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही जो बेल आइकन है इसे जरूर दबा लीजिए, जिससे जब भी नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो गलती है दोस्तों देखो, अगर आप किसी लड़की की नज़रों में अपनी अच्छी इमेज बनाना चाहते हो ताकि वो आपको अटेंशन देने लगे या उसके दिल में आपके लिए जगह बने, तो जब भी आप किसी लड़की से बात कर रहे हो तो कोशिश करो आप ये चीज़ें इन चीज़ों पर फोकस करो कि आपका ध्यान पूरी तरह से उस लड़की पर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप उस लड़की के साथ तो हो बट उसके आसपास कोई ऐसी लड़की है जो उससे ज़्यादा सुंदर है तो आप उनको देख रहे हो या उनको घूर रहे हो, तो इससे क्या है आपकी इमेज वहीं पे डाउन हो जाएगी। आप कितनी भी अच्छी पर्सनालिटी बनाकर उसके सामने क्यों ना जाओ, वो आपके बारे में यही सोचेगी कि आप जो है एक अच्छे लड़के नहीं हो, आपकी इमेज ख़राब है। ठीक है, जिसकी वजह से होगा ये कि दोबारा वो आपसे बात करने के लिए कभी मानेगी नहीं। तो यहाँ पे आपको ये गलती नहीं करनी चाहिए। अगर आप लड़की से बात कर रहे हो तो कोशिश करो आपका पूरा फोकस उसी लड़की पे होना चाहिए, उसकी पूरी अटेंशन दो जिससे आप उसका ध्यान अपनी तरफ खींच पाओ या वो एक अच्छा इंप्रेशन जमा पाओ। दूसरी जो गलती है जो अक्सर लड़के कर देते हैं कि लड़की से बात करते समय वो प्रॉपरली आई कॉन्टैक्ट नहीं करते हैं, प्रॉपरली उनसे नज़रें नहीं मिलाते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं। क्योंकि दोस्तों कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा नर्वस होते हैं जब किसी लड़की से बात करते हैं, अनकॉन्फिडेंट होते हैं, इसकी वजह से आई कॉन्टैक्ट नहीं कर पाते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जिनका ध्यान ही कहीं और रहता है, उनके बारे में पूछो ही मत, वो आँखों में नहीं देखेंगे बट और सभी जगह देख लेंगे। तो ऐसे में होता क्या है कि इससे भी लड़की की नज़रों में आपकी इमेज ख़राब हो जाती है। आप चाहे अनकॉन्फिडेंट हो या आपका ध्यान कहीं और हो, आप किसी और चीज़ को देख रहे हो, बट इससे क्या होता है आपका इंप्रेशन बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। और यहाँ पे क्या है, आपके चांस कम हो जाते हैं कि वो लड़की आपसे इंप्रेस होगी। तो इसीलिए प्रॉपरली आई कॉन्टैक्ट बनाना भी बहुत ज़रूरी है जब भी आप किसी लड़की से बात करते हो। अगली गलती है कि जब भी आप किसी लड़की से बात करते हो तो उस टाइम पर जाने अनजाने में कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो अपने शब्दों पर काबू नहीं रख पाते, कुछ भी बोल देते हैं, जो उनका मन आता है, ये नहीं देखते हैं कि सामने कौन है या सामने वो लड़की है जिसे वो फर्स्ट टाइम बात कर रहे हैं या उसे इम्प्रेस करने के बारे में सोच रहे हैं, फिर वो उस टाइम पर उस चीज़ का ध्यान नहीं देते हैं। तो इसीलिए आपका टॉकिंग वे, आपके शब्द, आपके जो आप जो भी बोल रहे हो वो भी बहुत मायने रखते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं अगर आप उनके दिल में अपने लिए जगह बनाना चाहते हो। तो इसीलिए जब भी लड़की से बात करो तो सोच समझ के बोलो, ऐसे शब्दों का यूज़ करो जिससे लड़की के दिल में आपकी एक अच्छी जगह बन सके। इसके अलावा अगली गलती ये है, मोस्टली लड़के ये भी गलती कर देते हैं कि जब किसी लड़की से मिलते हैं तो उस टाइम पर वो कुछ ओवर ही अपने आप को दिखाने लगते हैं, लाइक जैसे कि जिस तरह से उनकी पर्सनैलिटी होती है उस तरह से नहीं, उससे एक्स्ट्रा करने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ क्या है कि इससे आपकी पर्सनैलिटी जो है और भी ज़्यादा फेक लगने लगती है। तो ज़्यादा अपनी पर्सनैलिटी पे फोकस करो, जो आपकी रियल पर्सनैलिटी है उस चीज़ को हमेशा बरकरार रखो, क्योंकि आजकल के टाइम में मोस्टली लोगों को जो रियल पर्सनैलिटी अपनी प्रेजेंट करते हैं वैसे लोग ज़्यादा पसंद होते हैं, जो रियल जेन्युइन होते हैं। ठीक है, अपने आप को जैसे होते हैं वैसे ही प्रेजेंट करते हैं। तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे।